जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स से आपके पास सिमिलैरिटी चैप्टर का एक ऐसा वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे असर्शंस एंड रीजंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन। इसमें देखिए हमसे कहा गया है ए बी सी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको MCQs करने हैं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट आप MCQs नहीं कर सकते। क्योंकि MCQs के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, ये MCQs जो हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा मुश्किल होते हैं। आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा कैसे मुश्किल, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर तुरंत बताना होगा, वहाँ पर सॉल्व कर करके कर करके कर कर उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपको MCQs को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को करने के लिए सारे कंसेप्ट ए टू जेड क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसेप्ट वाली वीडियो इस चैप्टर का प्लीज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। उसके बाद ही आप एमसीक्यू उसको देखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट बताने लग गया तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का कंसेप्ट बताने में कुछ नहीं तो 45 मिनट्स के आसपास जो है वो टाइम लग जाने वाला है। तो प्लीज़ इतना टाइम आप पहले दे दीजिए उधर, तब जाकर आप आइए MCQs के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि ए बी सी और डी ई एफ आपके पास दो ट्रायंगल हैं, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं आपके पास, सिमिलर है। तो छोटा बड़ा आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया आपके पास डी ई एफ, सिमिलर बनाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब कहा जाता है इसमें एंगल ए 47 डिग्री है, एंगल ए 47 डिग्री है, एंगल ई 83 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, तो ये जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा आपके पास, देन एंगल सी इक्वल्स, ओ वेट थोड़ी सी दिक्कत हो गई, डी नहीं बोला है, एंगल ई बोला 83, है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये होगी आपके पास 83 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये सिमिलर थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं आपके पास। तो अगर ये 83 है तो ये वाला एंगल बी भी आपके पास क्या होगा, 83 होगा। ये चीज़ को समझिए, क्योंकि आपको ऐसा समझना है कि इस ट्रायंगल को मैंने उठाकर और इस वाले ट्रायंगल के ऊपर पटक दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज रख दिया है, तो कौन सा एंगल किस पे जाकर बैठेगा उसके हिसाब से आपको एज्यूम करना है। अब आपसे पूछा है कि एंगल सी कितना होगा, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या कीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 47 83, 10 8 4 12 13, 130 हो गया। 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपके पास, 50, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। तो ये एक तरीका होता है करने का, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा जाता है ट्रायंगल एबीसी एंड क्यूआरपी है, पी क्यू आर नहीं है, क्यूआरपी है, तो उसी हिसाब से आपको बनाने पड़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली बनाने पड़ेंगे। छोटा छोटा सा यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एबीसी, और दूसरा मैं बोलता हूँ क्या है, क्यूआरपी। तो यहाँ क्यू रखना पड़ेगा, यहाँ आर, यहाँ पे पी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ए क्यू पे जाकर बैठेगा, बी आर पे जाकर बैठेगा, और सी जो है वो पी पे जाकर बैठेगा, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो कौन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं जो ए बी होगा वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे करके। और देखिए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया कि ये सिमिलर हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब सेम जगह वाले साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, आप इसका ये मतलब समझ सकते हैं। तो ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग, तो बी सी इज इक्वल टू आर पी, बी सी अपॉन आर पी आई मीन, इसका रेशियो इक्वल होगा तीसरे के ए सी और क्यू पी, ए सी और क्यू पी। तो इसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है आपके पास सही होने वाला है, ए बी बाई पी क्यू तो ये हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर है, और बी सी बाई क्यू पी, बी सी बाई क्यू पी भी ये भी नहीं होगा, ए सी बाई क्यू आर, ए सी बाई क्यू आर ये भी नहीं होगा। तो अब बचा यही ए बी बाई क्यू आर देख सकते हैं ही है, और बी सी बाई आर पी, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, डी वाला, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमसे कहा जाता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, अब की बार जो हम ट्राइंगल बनाएंगे वो ए बी सी और पी क्यू आर होगा, छोटा छोटा सा बना देता हूँ, ये ए बी सी हो गया और दूसरा वाला जो ट्राइंगल बनाएंगे वो पी क्यू आर होगा, ठीक है, ओके। कहा जाता है ए बी बाई क्यू आर है और बी सी बाई पी आर है और सी ए बाई पी क्यू है, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है कौन सा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, तो देखिए पहले का ए बी है, ठीक है, दूसरा है क्यू आर, तो ए बी ये रहा और दूसरा है क्यू आर ये वाला रहा, ठीक है।
तो इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा दीजिए, अब इस वाले ट्रायंगल को ऐसे घुमा दीजिए ऐसे करके, क्योंकि ए बी तो सेम जगह वाला यहाँ पे क्यू और ये आर हो जाएगा, तो इसको पी होना पड़ेगा। तो ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा क्यू आर पी के, क्यू आर पी के, ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा क्यू आर पी के। इसको हम उल्टा पुल्टा भी करके देख लेंगे कि कौन सा सही बन रहा है, उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट मैच होता हुआ दिखेगा, समझाता हूँ कैसे। अब बी सी और पी आर के इक्वल होगा, देखिए बी सी देखिए पी आर है ना, पी आर या फिर आर पी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तीसरा ढूंढ लेते हैं सी ए और पी क्यू है, सी ए और पी क्यू है, तो बिल्कुल सही है ये और ये वाली चीज़ें। तो ए बी सी और क्यू आर पी तो सिमिलर है ही है, अब इसी को ही थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो पी क्यू आर यहाँ से हम चेकआउट कर लेंगे, देख लीजिए पी क्यू आर बोला है, तो पी यहाँ है फिर क्यू है फिर आर है, तो पी क्यू आर यहाँ से सी ए बी के होगा, सी ए बी के होगा, पहला ही सही निकल कर आ गया आपके पास, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है, बाकी आप चेकआउट कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है पी क्यू आर, देखिए अगर ऐसे नाम दे पी क्यू आर तो दूसरा क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब बाकी भी पॉसिबल नहीं होंगे, आप समझ गए है ना। सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है सिमिलर, जिसमें जिस भी स्टूडेंट को इन चीज़ों में डाउट है तो सबसे पहली वाली वीडियो देख लीजिए इस चैप्टर का, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर ए बी 24 है, ए बी 24 यहाँ लिखा भी है, सारी चीज़ें लिखा हुआ है, कहता क्या वो देख लेते हैं। और साथ में बोला है बी ए सी और ई डी एफ इक्वल है, तो बी ए सी ये वाला बी ए सी है और ई डी एफ ये वाला है, तो देख सकते हैं आप दिस अपॉन दिस करेंगे, फिर एंगल एंगल बीच का इक्वल है, फिर साइड का रेशियो इक्वल होंगे, 18:9 दो आ जाएगा, 24:12 दो आ जाएगा, और बीच का एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के कंडीशन से आपके पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ए बी सी और डी एफ रिलेटेड हैं सच दैट ये कुछ इस तरह से हैं, तो कौन सा ट्रायंगल आपके पास जो एंगल है वो इक्वल होंगे, तो पहले आप ट्रायंगल को पता कीजिए कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी है आपके पास, तो यहाँ पे बना लेता हूँ ए बी सी, चलो ए बी सी हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देखते हैं ए बी किस पे जाके बैठना चाहिए, एफ डी पे, तो ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए, तो यहाँ पे ई होगा, ठीक है। अब कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, ए एफ के इक्वल होगा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल जो बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा, जो एंगल सी है वो आपके पास एंगल ई के इक्वल होगा। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें और कुछ नहीं। तो देखिए क्या ए ई के इक्वल निकला है मेरे में, नहीं, तो पहला ऑप्शन ख़त्म, बी एफ के इक्वल निकला है दूसरा ऑप्शन ख़त्म, ए एफ के इक्वल निकला है, ए एफ के इक्वल निकला है बिल्कुल सही बात है, बी डी के निकले हाँ बिल्कुल, तो ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी गलत होना ही पड़ेगा, सी एफ के देखिए नहीं है तो ये भी गलत, देखिए ना एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ पैरेलल टू टी आर, तो ये देखिए ये रहा पी क्यू, ये पी है ठीक है ना, आर नहीं, पी क्यू इज़ पैरेलल टू टी आर, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रायंगल ना इस ट्रायंगल का सिमिलर होगा, लेकिन कौन से रूल से अच्छे से देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो होंगे, तो दो एंगल इक्वल है तो बाई डबल ए आप कह सकते हैं, नहीं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से तो ट्रिपल ए से कह सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। ओके अब एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, अगर यहाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है पहले वो देखिए, ऐसे इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को इस पे ऐसे बिठाना है कि ये वाला एंगल इस पे जाकर बैठे, ठीक है ना, तो इसको ऐसे घुमाकर, इसको ऐसे घुमाकर बिठाइए, मैं आपको समझाता हूँ, इसको ऐसे ऐसे बिठाना पड़ेगा कि ये जो आर है वो इस तरह से घूम गया है, ठीक है ना, तो ऐसे अगर ये पूरी तरह से घूम गया है ताकि ये वाला जो एंगल है वो इस पे जाकर बैठे, है ना, तो ये इस तरह से घूमकर जाकर बैठेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला आर और यहाँ पे हो जाएगा ओ, तो टी क्यू पे बैठ गया है ना, अब बेस्ट है, और ये वाला जो एंगल था वो इस पे बैठना चाहिए था आर पी पे, तो अब देखिए ये वाला एक तो ट्रायंगल है ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल है, अब इस वाले ट्रायंगल को उठाकर इस वाले ट्रायंगल में पटक दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ रहे ना, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जाकर बैठ जाएगा, तो अब आप कह सकते हैं कि पी क्यू ओ, पी क्यू ओ सिमिलर होगा किसके, यहाँ से पी क्यू ओ शुरू किया तो यहाँ से आर टी ओ कर लेंगे, आर
टी ओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ से पी क्यू लेंगे तो दूसरा आर टी लेना पड़ेगा इज इक्वल टू, फिर क्यू ओ लेंगे तो अगला टी ओ लेना पड़ेगा या ओ टी, ये आगे पीछे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अब पी ओ लेंगे तो हमने लेना पड़ेगा आर ओ। तो अब ये वाला चीज़ कहीं पे भी ढूंढ लीजिए जो होंगे सेम, वो आपके पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं पी क्यू बाई आर टी। पी क्यू बाई आर टी है यहाँ पे, ओ पी बाई ओ टी, ओ पी बाई ओ टी नहीं है तो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट पी क्यू बाई आर टी है यहाँ पे, ठीक है, ओ पी बाई ओ आर, ओ पी बाई ओ आर हो या पी ओ बाई आर ओ, आगे ये आगे पीछे हो सकते हैं लेंथ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पी से लेकर क्यू तक की लेंथ की बात करें या क्यू से लेकर पी तक की लेंथ की बात करें, लेंथ के केस में वो सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर मैटर करेंगे सिमिलरिटी के केस में बस। ओ पी बाई ओ आर ठीक है, और क्यू ओ बाई ओ टी, क्यू ओ बाई ओ टी ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपको कोई भी करेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर आगे पीछे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर देखें तो अगला वाला भी सेम ही है यार, लेट मी चेक वंस। इसमें बोला है पी क्यू बाय आर टी, पी क्यू बाय आर टी ठीक है, अगला बोला है क्यू आर बाय ओ टी, क्यू आर दे दिया, ओ आर है, ओ आर है, ओ आर बाय ओ पी ये भी ठीक है, ओ क्यू बाय ओ टी ये भी ठीक है। ये दोनों सेम सेम ऑप्शन से क्यों लग रहे हैं, ये ऊपर नीचे कर दिया इसमें, लेट मी चेक वंस अगेन, इसमें ऊपर नीचे कर दिया तो ये तो गलत खैर है ही है। ठीक है ना, इस ये वाला बिल्कुल सही था, ये बी वाला, अगला चेकआउट कर दिया इसमें तो यही गायब है, इसको वैसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, डी एंड ई आर द टू पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी, ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल नहीं है ना, बनाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी ले लेते हैं, कहा जाता है डी और ई दो पॉइंट्स हैं, किस में, ए बी और ए सी पे, तो यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे ई ले लेते हैं और ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। आगे देखते हैं, कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डी ई एंड बी सी जो है वो पैरेलल होंगे। तो पैरेलल कब होते हैं, तो याद कीजिए यहाँ पे हमें बी पी टी याद करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला कि आप सबसे पहले कोशिश करें कंसेप्ट को क्लियर करके रखें, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। राइट, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल कब होता है, डी ई बी सी पैरेलल कब, जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए, मतलब आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, इसी को कहते हैं थे बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चेक कर लेते हैं, पहले केस में तीन है, ए डी बाई डी वी ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 8/3 ये 8/3, तो ये तो इक्वल होने से रहा भाई। ए ओ वेट 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 वेट, वैल्यूज़ अच्छे से आपको चेकआउट करना है, हमें इन चारों की वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ए डी तो 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी डी 8 है, चलिए ये भी काम बन गया। नेक्स्ट कहता है ए सी 8 है, ए सी मतलब पूरा 8 है, पूरा 8 है। ठीक है ना, और ए ई 3 है, ये वाला 3 है, तो ये वाला कितना बच गया 5। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो 3/8 और उधर से करेंगे तो 3/5, इक्वल नहीं है, मतलब इस केस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ए डी डी बी कितना है आपकी बार, 5/6 है, तो 5/6 हो गया ए डी बाई बी डी। ठीक है, नेक्स्ट अब की बार अगला इसमें कहा ए ई 6 है, ए ई 6 है चलेगा अपने को, नेक्स्ट चाहिए हमें ई सी, ई सी कितना है, सी ई सी सी एक ही बात है वो 5 है। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, मेरे हिसाब से ये वाला हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। इसमें कहता है 18 है और बाई 8 है, तो ए बी 18 है, मतलब अब हमारे टोटल 18 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, तो ए डी है ना, टोटल 18 है, टोटल 18 है और ए डी 8 है, ये वाला 8 पोर्शन है, फिर ए ई 12 है, ए ये वाला 12 है, और ई सी 15 है, ई सी ये वाला जो आपके पास वो 15 है। ठीक है ना, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये टोटल 18 है तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 18 था है ना, ये वाला 8 था, ये 10 आ जाएगा, इधर करेंगे 8/10 हो जाएगा, उधर करेंगे 12/15 हो जाएगा। कट अप टिक करके देखिए, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 4/5 4/5 ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखें ऐसे, ठीक है, ऐसा आपको चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं। जब आपको कंडीशंस पता होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं आएगी, क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा कर दें आप कर ही जाएंगे उसको बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें कहते हैं डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, बता दिया कि पैरेलल है, और हमसे कहा जाता है जो ए डी है और ये जो डी बी है वो 3/5 है,
तो हमें पता है अगर ये इसके पैरेलल है तो 100% ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो तो एक साइड का तो रेशियो पहले से पता है हमें कि 3/5 है, तो इज इक्वल टू हमें निकालना क्या है, ए ई निकालना है, तो ए ई को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, और ए सी दे रखा है, टोटल दे रखा है आपके पास 5.6 है, तो अगर ए ई एक्स है तो ये कितना बच गया, ये वाला ए सी, ई सी बच गया आपके पास 5.6 माइनस एक्स, टोटल में से मैंने एक्स को कम कर दिया, ए ई को हटा दिया, तो क्या बचेगा ई सी, तो ई सी की जगह आप क्या रखेंगे, 5.6 माइनस एक्स रखेंगे। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट करनी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो करना पड़ेगा ऐसे करके, 3 (5.6) माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 × x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से करेंगे 3 6 = 18, 1 5 3 = 16, 1 16.8, ठीक है, माइनस का 3 x इज इक्वल टू 5 x, ये उधर ले जाएंगे तो 8 x बना लेगा, तो इधर बनेगा 16.8 इज इक्वल टू 8 x, ठीक है, ये माइनस का उधर चला गया ना, प्लस का हो जाएगा 8 x। जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16.8 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, सारे सेंटीमीटर में थे तो आप आंसर को भी सेंटीमीटर में ही मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी तरह से, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम सेम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इसमें कहा जाता है इन ट्राइंगल डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ए बी सी ट्राइंगल ये वाला भी, तो इसमें भी काम कर सकते हैं, ये डी ई इज पैरेलल टू बी सी, फिर से वही दे रखा है, कहते हैं ए डी जो है वो 7x - 4 है, 7x - 4, ए ई जो है वो 5x - 2 है, 5x - 2 है, बी डी या फिर डी बी जो भी बोल सकते हैं 3x + 4 है, 3x + 4 है, और ई सी जो है वो 3x है, तो यहाँ से आपको x निकालने के लिए तो सिंपल हो गया, देखिए दिस अपॉन दिस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x - 4 डिवाइडेड बाई 3x + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 5x - 2 डिवाइडेड बाई में 3x के, बस अब इनको इक्वल, क्योंकि पैरेलल था इसीलिए हमने साइड्स के रेशियो को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ को निकाल लेंगे भाई, खत्म बात, ठीक है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अपना काम बना लेते हैं, अगर इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 = 21, 21 x² ठीक है, इसे इसको करेंगे माइनस का 12 x, बस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 3 5 = 15 x², और 3 से करेंगे तो माइनस का 6 x, फिर 4 से करेंगे तो प्लस का 20 x, और फिर 4 से करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है, इधर उधर सॉल्व करके वो बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, इन सबको मैं इधर लेकर चला जाता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 x² इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, तो प्लस का 14 x लिख लेता हूँ और माइनस का 8 में से इनको माइनस कर देता हूँ, माइनस का 21, उधर वाली चीज़ों को इधर लाता हूँ क्योंकि ये वाली बड़ी चीज़ है ना, ज़्यादा सही रहेगा ऐसे का, इन सबको मैं अंदर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो 21 x² को मैं एजिटी छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, तो 21 x² को एजिटी छोड़ दिया, -12 x को एजिटी छोड़ दिया, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 15 x² हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो प्लस का 14 x आएगा, तो अंदर लाएंगे तो माइनस का 14 x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा, तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 x² आ जाएगी, ठीक है, 6 x² आ गया, फिर इसको इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 14 कितना, 26 हो जाएगा, माइनस का 26 x हो जाएगा, फिर प्लस का 8 ही बचा आपके पास, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, तो ये बना लेगा मेरे पास x² माइनस का 13 x और प्लस का 4 और इक्वल टू में 0, ये तो नहीं, यहाँ पे 3 भी बचेगा अब, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज़ कर देना है बस, और कुछ नहीं, फैक्टराइज़ करते ही आपका जो काम है वो बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से 4 3 = 12 आएगा, तो मैं कितना कितना ले सकता हूँ, 12 और 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स, ओ कहाँ आ गया भाई, वापस चलो वापस चलो, ऐ शाबाश, तो अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 3 x² एजिटी छोड़ दिया, मैं दो नंबर ले लेता हूँ, माइनस का 12 x और माइनस का 1 x, ठीक है, तो माइनस का 13 x भी हो जाएगा और प्लस माइनस करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 भी आ जाएगा, 4 3 = 12 होता है ना, बिल्कुल सही, मिडिल टर्म आपको आती होगी। चलिए 3 कॉमन ले लीजिए, x भी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस का 4 और यहाँ -1 ले लीजिए, x माइनस का 4, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, एक तो 4 और एक हो जाएगी 1/3, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 1/3, तो आंसर चेक कर लेते हैं, एक है आपके पास 4, 1/3 गायब कर रखा है, तो आंसर 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है उसमें कहा जाता है इट इज़ गिवन दैट ए बी सी एंड डी ई एफ इज सिमिलर, राइट, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ फटाफट, मान लेते हैं ये ए बी सी है और ये आपके पास डी ई और एफ है, ठीक है,
अब इसमें हमसे क्या कहा जाता है वो भी चीज़ देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है एंगल ए जो है वो आपके पास वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर मैंने 30 डिग्री लिखा। एंगल सी जो आपके पास वो 50 डिग्री है, 50 डिग्री लिखा। और ए बी जो है वो आपके पास 5 है, 5 लिखा। ए सी जो है वो 8 है, तो 8 लिखा। डी एफ 7.5 सेंटीमीटर, तो ये वो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 7.5 सेंटीमीटर। सामने सब में सेंटीमीटर वैसे भी, ठीक है। कहते हैं कौन सा ट्रू है, तो सबसे पहले ना एंगल को निकाल लीजिए, सारे एंगल्स फटाफट निकाल दीजिए। ये 30 है, ये 50 है, तो 80 हो गया, तो ये वाला 100 बच जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ये भी 30 होगा, ये भी आपके पास 50 होंगे, और ये भी आपके पास 100 होंगे। तो इस आपके क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप देख सकते हैं तो एंगल एफ 50 डिग्री है, एंगल एफ 50 डिग्री है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एंगल तो हमें पता चल चुका है, साइड के भी देख लेंगे हम। एंगल एफ 100 डिग्री है, एंगल एफ 100 है क्या? नहीं। तो पहला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन को तो फटाफट एलिमिनेट कर दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल डी 100 है क्या? नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे काम का नहीं है। एंगल डी 30 है, हाँ एंगल डी 30 है, तो मतलब या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन काम करना शुरू करेंगे। तो इन दोनों में एंगल का इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही सही है, अब देखनी पड़ेगी साइड का इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो देखिए ए जो है वो आपके पास वो डी बोल रखा है, और अगला बोला आपके पास ई एफ। तो देखिए एक चीज़ बता दो, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन, मतलब क्या ना, मतलब दिस अपॉन दिस और इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगी। मतलब डी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन ई एफ की वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। लेकिन ई एफ की वैल्यू भी अगर निकालेंगे तो खैर वो रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वल आ जाएंगे, खैर वो तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो साइड्स के रेशियो होंगे एक का, वही आपके पास दूसरे का आने वाला है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमें एग्जैक्ट डी ई चाहिए, तो यहाँ से तो एग्जैक्ट डी ई नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके रेशियो के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, है ना, रेशियो के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें कहा जाता है इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, अब ये सिमिलर है या नहीं वो हमसे नहीं बोला गया। इसमें हमसे कहते हैं तो हम फटाफट फिर से बना लेते हैं, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और दूसरा आपके पास पी क्यू आर है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है डी और क्यू इक्वल है, ये डी एंगल और क्यू एंगल इक्वल है, तो हमको इसको ऐसे घुमा के बना दे तो कैसा मजा आएगा, है ना। इसको यहाँ पर क्यू रखना पड़ेगा ताकि सेम सेम जगह वाले हो जाए, डी और क्यू इक्वल है, ठीक है। आर और ए इक्वल है, आर कहाँ है, ये रहा, और ई इक्वल है, तो ई यहाँ पे है तो आर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और अगला पी बच गया तो पी को यहाँ पे करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए अब आपके पास, डी ई एफ सिमिलर होगा क्यू आर पी के, सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। तो यहाँ से साइड्स के रेशियो को आप इक्वल रख लीजिए फटाफट, डी ई बाई क्यू आर हो जाएगा, डी ई बाई क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ई एफ बाई ई एफ बाई आर पी हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू डी एफ डी एफ बाई क्यू पी हो जाएगा। अब इनमें से चेकआउट कर लीजिए कौन सा होगा, डी ई बाई क्यू आर, हाँ सही है, ई एफ बाई आर पी, ई एफ बाई आर पी, बिल्कुल पहला ही सही हो गया। अब दूसरा तीसरा चौथा भी दिखा देता हूँ कि वो सही नहीं होंगे, ठीक है ना। डी ई बाई क्यू आर है, हाँ सही है, तो डी एफ बाई पी क्यू है क्या, डी एफ बाई पी क्यू, अरे ये भी सही कैसे हो गया, लेट मी चेक, ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, डी ई बाई क्यू आर हो गया, सही सही है, फिर डी एफ बाई पी क्यू हो गया, क्यू पी या फिर पी क्यू, उससे तो खैर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी लेट मी चेक अगेन द नेक्स्ट वन, ई एफ और पी आर है, है ना। तो फिर से मैं चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ई एफ बाई पी आर, ई एफ बाई आर पी है, पी आर, डी एफ बाई पी क्यू, इस हिसाब से तो सारे सही होंगे। इसका मतलब हमें फिर से इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नई सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है कि क्यों कहीं तो आगे पीछे जो है वो बातें हो रही है भाई, थोड़ी सी नेमिंग में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, डी ई एफ बोला था तो डी ई एफ बोला बता दिया हमें, डी ई एफ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पी क्यू आर बोला था तो हमने पी क्यू आर बना दिया फटाफट, पी क्यू आर बना दिया। अब हमसे इसमें जो जो कहा गया वो देख लेते हैं। कहते हैं डी जो है वो क्यू के इक्वल है, जो डी है एंगल वो क्यू के इक्वल है, तो क्यू को मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये क्यू एंगल हो गया, ठीक है ना, डी ना क्यू के इक्वल है। आर जो है वो ई के इक्वल है, तो ये अगर ई यहाँ पे है तो ये जो आर है वो यहाँ पे कर देंगे, अभी तक वही सेम है, ठीक है ना। तो जो पी था उसे 100% यहाँ पे होना पड़ेगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आहा इज नॉट ट्रू है यार, जब ही तो मैं कहूँ सारे सही हो रहे हैं, ये तो सही हो ही गया था, सारी चीज़ें वही है, देख लीजिए
डी बाई क्यू आर होगा, डी बाई क्यू आर होगा, हाँ डी एफ बाई पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू होगा, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट ई एफ बाई पी आर, ई एफ बाई पी आर इज इक्वल टू डी एफ बाई पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू ये भी सही है, मतलब यही गलत होगा, ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए अभी मैंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, डायरेक्टली आंसर पे चला गया कि कौन सा ट्रू है वो चेक कर लेता हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ पे पता करना था कौन सा ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, कहते हैं डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। तो ये ट्राइंगल तो बड़ा फेमस ट्राइंगल ऐसे करके है, ए बी सी, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि हमें वैल्यूज़ भी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, डी और ई आपके पास कुछ इस तरह से पॉइंट्स है ए बी और ए सी पे। हमसे कहते हैं डी ई जो वो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और आगे हमसे बड़ा आसान से दे दिया, ए ई 2 सेंटीमीटर दे रखा, ये वाला 2 हो गया। फिर कहते हैं जो ई सी है वो 3 हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन। बी सी है जो वो 10 हो गया, ये वाला जो है वो 10 हो गया। हमसे बोलते हैं कि डी ई क्या होगा, इसका एक्स ले लीजिए। अब देखिए ये ट्रायंगल ना सिमिलर है, ये वाला देखिए, ये एंगल कॉमन हो जाएगा आपके पास और साइड्स के रेशियो आपके पास इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल है, मतलब वो भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में करेंगे। ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से, छोटा वाला ए डी ई और अगला वाला ए बी सी, ए बी सी छोटा वाला और बड़ा वाला, ठीक है। अब इनमें आपको पता है कौन कौन सा दिया है, ए ई, तो ए ई बाई ई सी कर देंगे, ए ई बाई ई सी कर देंगे, ए सी नॉट ई सी, ए सी, ए सी छोटे ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बड़े ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड। दूसरा हमें डी ई, डी ई बाई बी सी कर लेंगे, तो ए ई हमें दिख रहा है 2 है और ये वाला आपके पास ए सी, ए सी 2 और 3 5 हो जाएगा और डी की जगह एक्स है और ये 10 हो जाएगा, इधर उधर कर दीजिए तो 4 आ जाएगा मेरे हिसाब से, यस। तो 4 सेंटीमीटर आपके पास आंसर हो जाएगा। आई ना बात समझ में, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जाता है ए बी सी ट्राइंगल है सच दैट ए बी बी सी, ये सारी चीज़ें गिवन है, फटाफट बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी आपके पास 3 है, ठीक है, बी सी आपके पास 2 है, ठीक है, सी ए आपके पास 2.5 है, ओके। हमसे कहते हैं ये जो ट्राइंगल है डी ई एफ है वो सिमिलर है ए बी सी के, तो हमसे कहते हैं कि इफ़ ई एफ इज़ 4 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी पता कर लेते हैं। तो एक और ट्रायंगल हमें बनाने की ज़रूरत है जिसमें हमसे बोला है कि जो ए बी सी है वो सिमिलर है डी ई एफ के, तो ये डी है, ये ई है आपके पास और ये आपके पास एफ है, ठीक है। आगे देखिए अब हमसे क्या क्या और कहा गया है वो भी देख लेते हैं। कहते हैं 4 सेंटीमीटर कौन ई एफ, तो ई एफ कहाँ पर, ये 4 है, ठीक है ना। तो देखिए 2/4 है, 2/4 मतलब ये वाली चीज़ डबल है, तो ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 2.5 है तो ये 5 हो जाएगा, 6 5 11 4 15, तो 15 सेंटीमीटर का पेरीमीटर हो जाएगा डी ई एफ का, ठीक है। रेशियो से पता चल गया हमें, तो ये 2 है ये 4, रेशियो कितना आया 1/2, मतलब पहले वाले का 1 है तो दूसरे वाले का डबल है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलिए गॉट इट, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जाता है इन ट्राइंगल ए बी सी, हमसे कहा जाता है डी ई, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें बनाने की जरूरत पड़ सकती है ऊपर वाले के लिए फिगर। डी ई इज़ ड्रॉन पैरेलल टू बी सी कटिंग द अदर 2 साइड्स एट पॉइंट डी एंड ई, तो बिल्कुल सेम ये वाला डायग्राम, तो भाई साहब क्या ही बताऊँ, कई बार पूछे जाएंगे ऐसे करके, सेम डायग्राम। कहते हैं ए बी जो है वो 3.6 है, मतलब पूरा 3.6 है, ठीक है। ए सी 2.4 है, पूरा 2.4, ओके पॉइंट। ए डी 2.1 है, ये वाला 2.1 है, तो ए ही पूछा, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये एक्स ले लेंगे, ये टोटल हो जाएगा 2.4 माइनस एक्स, ठीक है। ये 2.1 है, ये 3.6 था, तो 3.6 में से 2.1 माइनस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 5, और ये वाला 1.5 हो गया। तो साइड्स का रेशियो इक्वल कर देते हैं 2.1 डिवाइडेड बाई 1.5, बी पी टी और कुछ नहीं, तो एक्स बाई हो जाएगा 2.4 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई में 2.4 माइनस का एक्स। सर थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 का 24, 24 दोनों 48, 0.54 जैसे मिला जाएगा 5.04 पे, 5.04 पे माइनस 2.1 टाइम्स एक्स, ठीक है। चलिए इसको एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2.1 में प्लस हो जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 3.6,
ये हो गया 3.6 टाइम्स एक्स और इज इक्वल टू हो जाएगा 5.04। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 5.04 डिवाइडेड बाय में 3.6। ऊपर से डेसिमल हटाएंगे नीचे दो जीरो, नीचे से हटाएंगे ऊपर एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाय में 360। ठीक है, दो से काट दीजिए, दो से काटेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दो बार में, फिर पांच बार में, फिर दो बार में, दो से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में, फिर आठ बार में, फिर जीरो, दो से और कटेगा, दो से काट देंगे एक बार में, दो बार में, छः बार में 126, दो से काट देंगे 90 बार में और कट जाएगा 126 बाय 90 और काट देता हूँ, दो से 63 बार में, ये 45 टाइम्स में, तीन से काट देता हूँ 21 बार में, तीन से 15 बार में और काट देता हूँ, तीन से 7 बार में, तीन से 5 बार में, तो 7/5 आया और काट देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.4 आ जाएगा। और कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 14 था, तो 1.4 सेंटीमीटर ये है आपके पास। तो कैलकुलेशन देखिए डेसिमल में देंगे वैल्यूज, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बड़े प्यार से, बिल्कुल बेसिक रूल जो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह का जो यूज़ कर रहे थे आप पहले से ही, उसी को आपको यूज़ करना है और आपका जो काम है वो बन जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, आइए देखिए इसमें शायद फिगर की बन है, यस ये आपके फिगर है, कहते हैं बी ए पी ये 70 डिग्री है, आपको पता ही है, कहते हैं पी सी 6 है, पी सी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, हमसे कहते हैं पी डी और डी बी का रेशियो बताइए, पी डी और डी बी का, तो जो इसका इसका रेशियो होगा वही इसका इसका रेशियो होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बोलिए कैसे, क्योंकि ये एंगल कॉमन होगा और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, दे ही रखा है। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस कर दीजिए 6/4 कितना हो जाएगा 3:2, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोगों का काम क्या रहता है, 7428 5256 69, ठीक है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके डाउट को सेंड कर देना है, और आप लोगों को जिस भी तरह का जो क्वेश्चन होता है उसे आप यहाँ पे अपने समस्या का जो समाधान है उसे कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आप लोगों का जो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी समझ में नहीं आता तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन पर्सनल क्लास जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूँगा पूरे एक घंटे, और आप लोगों को जो भी डाउट होगा उसमें हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो क्लास रहेगा आपके पास वो पेड रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ये टोटल 15 MCQ इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 MCQs, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि भाई हाफ एन आवर के आसपास की वीडियो जो अपलोड की जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की हो जाती है तो बच्चे थोड़े से बोरिंग सा फील करते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो हाफ़ एन आवर का जो इनफ रहता है, क्योंकि थोड़ा सा एंथुसियाज्म भी बना रहता है और साथ में करने का भी मन रहता है, तो कि जल्दी वीडियो ख़त्म होने गई और वाह एक वीडियो कम्प्लीट हो गया, दैट्स द रीज़न कि मैं मतलब हाफ़ एन आवर की जो वीडियोज़ हैं वो मैक्सिमम इतना ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पार्ट वाइज हम आपको सिमिलरिटी के जो जितने भी MCQs के क्वेश्चन हैं बहुत सारे हैं, है ना, लगभग 3-4 वीडियो में आपके पास कवर हो पाएंगे ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों का जो काम रहता है बस वो अपना काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी जो टेंशन है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस कर